हे वेलकम एवरीबॉडी टू रीकिंडलेड। आज हम अपनी सिक्स क्लास में हैं। यहाँ पर हम बातों बातों में इंग्लिश सीख रहे हैं, बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे सीखते हैं ना, बातों बातों में। पांच क्लासेस तो हमारी हो चुकी हैं, पांच तरह की बातें हम कर चुके हैं। आज हम छठी क्लास में नई बातें करने जा रहे हैं। दिस इज़ इंग्लिश फॉर बिगिनर्स। यहाँ पर आपके लिए कोई भी रूल्स इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्या इम्पॉर्टेंट बताया था मैंने आपको? सिर्फ तैयारी, सिर्फ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करो अपनी फ्रेंड्स के साथ। सबसे अच्छा तरीका है अपना फ़ोन पे कोई ग्रुप बना लो, क्योंकि मिल तो सकते नहीं है। स्टे सेफ, स्टे एट होम। फ़ोन तो है ना, फ़ोन पे ग्रुप बनाओ। एक जना रोहित बन जाओ, एक जना रजत बन जाओ। इस पूरी कन्वर्सेशन को प्रैक्टिस कर लो। रोहित ने क्या कहा, रजत ने क्या कहा, इसकी चिंता मत करना, बस इसको प्रैक्टिस कर लो। और मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड नहीं है, ना रोहित है ना रजत है, अब क्या करोगे, कैसे प्रैक्टिस करोगे? मेरे साथ, मैं हूँ ना, बिल्कुल शाहरुख खान वाला नहीं, मैं हूँ ना, मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, ठीक है? और अगर आपको इसे बार बार करना है तो वीडियो चलाओ, मेरे साथ प्रैक्टिस करो, या फिर जो इसमें लिखा है ना, जो आप एक बार बोल रहे हो उसे रिकॉर्ड कर लो। साउंड रिकॉर्डर है ना आपके फ़ोन में, और उसको बोलने दो, उसका जवाब आप देते जाओ। नया डायलॉग बनाओ जो इसमें लिखा है, बाद में मैं कुछ सेंटेंसेस देती हूँ उनसे नए डायलॉग्स बनाओ। और चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भेज भी सकते हो, बिल्कुल मैं आपका चेक करके उसे रिटर्न कर दूंगी। मेल पे भी आप मुझे भेज सकते हो अपने डायलॉग्स और मैं उसमें करेक्शंस कर दूंगी। बस अभी ग्रामर की चिंता मत करो, 10 क्लास के बाद हम ग्रामर और रूल्स सब कर लेंगे, तब तक आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तैयारी एग्ज़ाम्स की। एग्ज़ाम्स तो कैंसिल हो गए हैं ना अभी, लेकिन करियर के लिए नहीं कैंसिल हुए हैं। तो अगली बार अपने दोस्तों से चलो तैयारी के बारे में बात करते हैं, ओके? यस। इस बात से पहले मुझे बताओ, जब हम किसी से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? हाय, हाउज इट, हाउज लाइफ, हाउज इट गोइंग, हाउ आर यू? फिर जवाब क्या देते हैं? आई एम फाइन, थैंक यू, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम डूइंग गुड, व्हाट अबाउट यू? लाइफ इज गोइंग ऑन स्मूथली, या फिर आई हैव बीन वेरी बिजी, आई एम वेरी टायर्ड। आप कुछ भी इस तरह की बात करते थे ना इंट्रोडक्शन में, तुम कैसे हो, हाँ मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। ये हम पिछली 5 क्लासेस में कर चुके हैं, तो मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, पर आपको आ जाना चाहिए। बोलिए मेरे साथ, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, हाउ इज़ लाइफ, हाउ यू डूइंग, इस तरह से आप पूछ सकते हैं। और उसका जवाब क्या होगा? थैंक्स फॉर कॉलिंग, फ़ोन के करने के लिए धन्यवाद, या फिर आई एम डूइंग गुड, मैं अच्छा कर रही हूँ, आई एम फाइन, हाउ आर यू, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? इस तरह की एक दो लाइंस इससे पहले प्रैक्टिस कर लो। अब हाय रोहित, यू नो एग्जाम डेट्स आर डिक्लेयर्ड, वैसे तो अब कैंसिल हुई हैं, बट यहाँ पर रजत रोहित से कह रहा है तुम्हें पता है कि एग्ज़ाम की डेट्स डिक्लेयर हो गई हैं। आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि रजत कह रहा है या रोहित कह रहा है, आपको सिर्फ बोलना है। बोलो, हाय रोहित, यू नो एग्ज़ाम डेट्स डिक्लेयर्ड? यस आई नो रजत, जस्ट 12 डेज टू गो। 12 डेज टू गो का मतलब हमारे एग्ज़ाम में 12 दिन रह गए हैं। यस आई नो रजत, हाँ मुझे पता है रजत, एग्ज़ाम की डेट्स आते ही तो मिनटों में सबको पता चल जाता है। यस आई नो रजत, जस्ट 12 डेज टू गो। अब ये जो है ना बेटा, जैसे यस आई नो, नॉट टू बैड ओवरऑल, ये हमारे हिंदी में भी जैसे हम जवाब देते हैं ना, यार मेरे को तेरी बात कैसी लग रही है, अच्छी है, तो सिर्फ अच्छी है बोल दिया, या फिर हाँ यार मस्त है, हाँ मुझे पता है, ये सारी चीज़ें हमारी बातों को और इंटरेस्टिंग बनाती है, तो इनकी ज़रूर प्रैक्टिस कर लिया करो। ओके, आई नो, राइट, दैट्स ओके, ओके ऑल राइट। तो ये सारे टर्म्स हमारी इंग्लिश को और इंटरेस्टिंग और ट्रेंडी भी बनाते हैं। नॉट टू बैड ओवरऑल, ओवरऑल तो बहुत ख़राब नहीं चल रही हैं, बट आई एम वरीड अबाउट मैथ्स एंड इंग्लिश। तो चिंता किस बात की है मुझे, मैथ्स की और इंग्लिश की। ये किस चीज़ के लिए जवाब दिया है उसने? हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन, ध्यान दिया आपने कुछ, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है, को हमने इंग्लिश में कैसे बोला, हाउस, यहाँ पर हाउ इज़ लिखा है ना, तो आप समझ लो यहाँ पर इज़ नहीं है, ये आई नहीं है, और ये हाउस, तो आपको क्या बोलना है, हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन, ठीक है? प्रैक्टिस करो फिर से, हाउस, हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन, क्लियर? तो ये हम शॉर्ट यूज़ करते हैं इंग्लिश में। फिर से एक बार चारों डायलॉग्स बोलते हैं। हाय रोहित,
यू नो एग्जाम्स डेट्स डिक्लेयर्ड? यस आई नो. यहाँ पर भी देखो उसने पूरा नहीं बोला. यस आई नो एग्जाम डेट्स डिक्लेयर्ड. हम हिंदी में क्या बोलते हैं? किसी ने आपसे पूछा एग्जाम की डेट्स आ गई तो आप क्या बोलते हो? हाँ मुझे पता है एग्जाम की डेट्स आ गई, या सिर्फ इतना हाँ मुझे पता है. ऐसे ही हम इंग्लिश में सेंटेंसेस को शॉर्ट कर देते हैं. चलो, हाय रोहित, यू नो एग्जाम डेट्स डिक्लेयर्ड? यस आई नो रजत, जस्ट 12 डेज टू गो. हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? नॉट टू बैड ओवरऑल, बट आई एम वरीड अबाउट मैथ्स एंड इंग्लिश. तो दे दो सब्जेक्ट्स की चिंता है, मैथ्स की और इंग्लिश की. लेकिन रजत को तो सिर्फ मैथ्स मुश्किल लग रही है. आई एम ऑल्सो फाइंडिंग मैथ्स अ बिट चैलेंजिंग. तो वो क्या कह रहा है? मुझे भी मैथ्स थोड़ी चैलेंजिंग का मतलब चुनौतीपूर्ण. इस वर्ड को याद कर लो, आप इसे बार बार यूज़ कर सकते हो. मुझे मैथ्स थोड़ी चुनौतीपूर्ण लग रही है, उसे करने में मुझे दिक्कत हो रही है. आई एम ऑल्सो फाइंडिंग मैथ्स अ बिट चैलेंजिंग. यस, फिर से देखो हमने यह बोला ना, हाँ नहीं, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं. सिलेबस इज वेरी वास्ट, स्पेशली अलजेब्रा. तो क्या कहा है यहाँ पर? हाँ, मैथ्स का जो सिलेबस है, जो कोर्स है, वो बहुत बड़ा है, स्पेशली अलजेब्रा का. सो कैन वी स्टडी टुगेदर स्पेशली अलजेब्रा? तो क्या जवाब दिया रजत ने? तो क्या हम साथ पढ़ सकते हैं स्पेशली अलजेब्रा? क्योंकि अलजेब्रा में दोनों को प्रॉब्लम है, रजत को भी और राहुल को भी. नाम मैं शायद भूल गई हूँ. तो दोनों को दिक्कत है, तो वो कह रहा है क्या हम ये टॉपिक दोनों साथ में पढ़ सकते हैं? श्योर, आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया. तो रजत ने क्या कहा? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है ये तो बहुत ही अच्छा विचार है तुम्हारा, बहुत ही अच्छा आइडिया है. तो श्योर, ये भी हमारी कन्वर्सेशन को, डायलॉग को इंटरेस्टिंग बना रहा है, बातचीत को. आई कैन हेल्प यू इन इंग्लिश टू. अब देखो यहाँ पर रजत ने खुद ही ऑफर कर दिया कि मुझे तो सिर्फ मैथ्स में प्रॉब्लम थी और राहुल को मैथ्स और इंग्लिश दोनों में. तो वो कह रहा है मैं तुम्हें इंग्लिश में भी हेल्प कर दूंगा. आई कैन हेल्प यू इन इंग्लिश टू. अच्छे फ्रेंड्स हैं ना दोनों. वेयर एग्जैक्टली आर यू फेसिंग प्रॉब्लम? तो अब उसने सवाल क्या पूछा? तुम्हें एग्जैक्टली प्रॉब्लम आ कहाँ पर रही है? जो तुम्हें दिक्कत है इंग्लिश में वो कहाँ पर है? तो जवाब क्या आया? थैंक्स. किस चीज़ के लिए थैंक्स बोला है उसने? क्योंकि वो उसे इंग्लिश में मदद करेगा. इट्स सेंटेंस करेक्शन एंड रिपोर्ट. यहाँ पर हम इट्स बोलेंगे, इट्स, ठीक है? यहाँ पर वैसे तो अपोस्ट्रोफी आता है, यहाँ मैंने लगाया इसलिए नहीं है, क्योंकि फिर आपको कन्फ्यूजन होएगी. तो यहाँ बोलिए आप इट्स. थैंक्स, इट्स सेंटेंस करेक्शन और रिपोर्ट. कहाँ कहाँ पर उसे प्रॉब्लम आ रही है? सेंटेंस जो सही करने वाला आता है ना इंग्लिश में, एक उसमें और एक रिपोर्ट राइटिंग में. तो ये दोनों ने बात करी है, तो उन्होंने क्या बताया कि मुझे मैथ्स मुश्किल लग रहा है, अलजेब्रा दोनों साथ में पढ़ेंगे, और रजत जो है राहुल की इंग्लिश में भी मदद कर देगा, उसे सेंटेंस करेक्शन और रिपोर्ट राइटिंग में प्रॉब्लम है. चलिए अब ये डायलॉग मेरे साथ बोलो आप सब. आई एम ऑल्सो फाइंडिंग मैथ्स अ बिट चैलेंजिंग. यस, सिलेबस इज वेरी वास्ट, स्पेशली अलजेब्रा. सो कैन वी स्टडी टुगेदर स्पेशली अलजेब्रा? What do you think? Sure, I think that's a good idea. That's a wonderful idea. That's a perfect idea. Kuch bhi use kar sakte ho. I can help you in English too. Where exactly are you facing problem? Thanks. What a relief it is. I'm facing problem in sentence correction and report. अब दोनों ने इस बारे में बात कर ली. अब कुछ और बातें हैं जिनसे आप एक नई बातचीत को प्लान कर सकते हो, उसे लिख सकते हो. तो आप ऐसा करो, अपना एक डायलॉग अपनी कॉपी में बनाओ. अब तक कॉपी तो बन गई होगी ना आपकी, उस कॉपी में इन डायलॉग्स को लिखो और एक नई बातचीत को प्लान करो अपनी फ्रेंड के साथ. फ्रेंड अगर नहीं भी है तो इमेजिनरी फ्रेंड के साथ. उसमें इन सेंटेंसेस को भी आप यूज़ कर सकते हो. कौन से? चलो पढ़े. हाउ इज़ योर प्रिपरेशन फॉर अदर सब्जेक्ट्स गोइंग ऑन? हम अभी मैथ्स और इंग्लिश की बात कर रहे थे ना, तो अब हमने पूछा तुम्हारी और सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसी चल रही है. और भी तो सब्जेक्ट्स हैं. या फिर ये लाइन भी हो सकती है, आई कैन टेल यू द रूल्स बट यू नीड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस. ये साइंस के लिए भी हो सकता है, इंग्लिश के लिए भी हो सकता है, जो मैं आपको इंग्लिश करा रही हूँ उसके लिए भी हो सकता है. कि मैं तुम्हें रूल्स तो बता सकती हूँ, जो नियम है वो तो बता सकती हूँ, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी. तुम्हें इसके लिए प्रैक्टिस बहुत सारी करनी पड़ेगी. और ये मैं आपको भी कह रही हूँ,
मैं आपको बातचीत तो सिखा सकती हूँ, मैं इसको लिख भी सकती हूँ, लेकिन इसे बोल आप तभी पाओगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करो। बच्चे इसको करने में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको, 10 मिनट के स्लॉट में प्रैक्टिस कर लो, ईयरफोन लगाओ और प्रैक्टिस कर लो। बोलो, आई कैन टेल यू द रूल्स बट यू नीड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। साइंस सीम्स टू हैव एन इनएग्जॉस्टेबल सिलेबस। साइंस का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है, ख़त्म ही नहीं होता कभी, इनएग्जॉस्टेबल, जो कभी ख़त्म ना हो। साइंस सीम्स टू हैव इनएग्जॉस्टेबल सिलेबस। अब जवाब में आप ये भी कह सकते हो, थैंकफुली आई डोंट हैव साइंस। अब जैसे वो मैथ्स की बात कर रहे थे ना, मैथ्स का सिलेबस है मुश्किल है अलजेब्रा, वहाँ भी आप कह सकते हो थैंकफुली आई डोंट हैव मैथ्स, मेरे पास मैथ्स का सब्जेक्ट ही नहीं है। तो इसके लिए हम थैंकफुली धन्यवाद नहीं दे रहे, हम बहुत खुश हैं कि हमारे पास मैथ्स नहीं है। आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट टाइम फॉर रिविजन। मेरे को जो सबसे बड़ा मेरा स्ट्रगल है, जो सबसे बड़ी परेशानी है, वो है कि मेरे पास रिविजन के लिए टाइम ही नहीं है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट टाइम फॉर रिविजन। सिर्फ 12 दिन हैं, 6 सब्जेक्ट्स हैं, कैसे रिवाइज करेंगे बताओ। तो आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट टाइम फॉर रिविजन। ओके इनफ ऑफ टॉक, बहुत देर से हम बातें कर रहे हैं, तो ओके इनफ ऑफ टॉक, हमारी बातचीत बहुत हो गई, लेट्स गेट बैक टू स्टडी। हमें क्या करना है, वापस चलते हैं अपनी अपनी पढ़ाई पर। लेट्स गेट बैक टू स्टडी, चलो पढ़ने चलते हैं। श्योर ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। हाँ पक्का, चलो तुम्हारे को अपने एग्ज़ाम्स के लिए मेरी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। इस तरह से भी हम अपनी बात को ख़त्म कर सकते थे पीछे, या फिर थैंक्स फॉर टॉकिंग, या कुछ भी हम इस तरह से, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, डू वेल इन फॉर योर एग्ज़ाम्स, स्टडी हार्ड, इस तरह से हम अपनी बात को ख़त्म कर सकते हैं। वी हैव टू मैनेज इन वॉट एवर लिटिल टाइम लेफ्ट। तो हमें जितना भी समय बचा है उसका सदुपयोग करना है, उतने में ही अपना काम चलाना है। वी हैव टू मैनेज इन वॉट एवर लिटिल टाइम लेफ्ट। तो अगर टाइम कम रह गया है, उसको मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो भी आप ये कह सकते हो यू हैव टू मैनेज इन वॉट एवर टाइम लेफ्ट। ठीक है, चलो इन सब की एक बार प्रैक्टिस करते हैं और इससे एक नई बातचीत प्लान करना। हाउ इज़ योर प्रिपरेशन फॉर अदर सब्जेक्ट्स गोइंग ऑन। आई कैन टेल यू द रूल्स बट यू नीड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स। साइंस सीम्स टू हैव इनएग्जॉस्टेबल सिलेबस, किसी भी सब्जेक्ट के लिए। मैथ्स हैज इनएग्जॉस्टेबल सिलेबस। थैंकफुली आई डोंट हैव साइंस। आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट टाइम फॉर रिविजन। ओके इनफ ऑफ टॉक, लेट्स गेट बैक टू स्टडी। श्योर ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। वी हैव टू मैनेज इन वॉट एवर टाइम लेफ्ट। All the best for your exams, all the best for your career, all the best for your life, all the best for your English teaching, English learning. So see you in the next class. Keep practicing. Take care. Stay home, stay safe. कम से कम ये तो अब तक याद ही हो गया होगा. Stay home, stay safe. अच्छा लगा हो तो like, share और subscribe ज़रूर करना, और ये छोटी सी notification bell ज़रूर बजा देना ताकि मेरा अगला video आप तक पहुँच जाए और आप मेरी 7th class को बिल्कुल miss ना करो। उसमें हम एक नई चीज़ बात नए टॉपिक पर बातचीत करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।